उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर शहर में सुबह मजदूरी के लिए आने वाले लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हुए आते हैं। यह नज़ारा गोगुंदा उदयपुर मार्ग पर स्थित लोएरा गांव के पास का है, जहां पर ग्रामीण इलाकों से उदयपुर शहर में रोजी रोटी की तलाश में आने वाले लोग निजी बसों की छतों बैठकर जोखिम भरा सफर करते हैं। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से कई बार हादसे भी हो चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन इस मार्ग पर रोडवेज बसों की सुविधा नहीं होने की वजह से ग्रामीण इलाकों के लोगों को मजबूरन निजी बसों में इस तरह से जोखिम भरा सफर करना पड़ता है। यातायात संचालन गुमटिया बरसों से लावारिस हाल में है। यातायात प्रशासन की ओर से शहर के तिरहु व चौराहा पर यातायात व्यवस्था के बहाली के लिए शहर में कई स्थानों पर यातायात संचालन गुमटिया लगाई गई हैं। कई बरसों पूर्व स्थापित की गई यातायात संचालन गुमटिया पर कभी यातायात संचालन का सिपाही नजर नहीं आया। शहर में यातायात संचालन के लिए स्थापित की गई गुमटिया पर कई स्थानों पर सुबह शाम दिहाड़ी मजदूरों का जमावड़ा लगा रहता है, तो कहीं लावारिस हाल में नजर आती है यातायात संचालन वाली गुमटिया। इसी कड़ी में शहर के फतह सागर झील के स्वरूप सागर लिंक नहर से पी सिंगल मार्ग के तिराहे पर यातायात संचालन की गुमटी लगी हुई है। फतह सागर झील के सर्किट हाउस में अगर राजनीतिक दलों के नेता या VIP के ठहरने पर इस गुमटी पर यातायात संचालन के सिपाहियों की हलचल नजर आती है, वरना ये गुमटी भी लावारिस नजर आती है। शहर में वर्तमान में पारस सकल, शास्त्री सकल, चेतक सकल, मीरा कन्या महाविद्यालय के मुख्य सड़क के तिराहे पर एवं आहद नदी पुलिया के पूर्व दुर्गा नर्सरी सड़क मार्ग के तिराहे पर यातायात संचालन गुमटिया लावारिस नजर आती है। रोडवेज बस स्टैंड की सेकंड एंट्री से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हुआ। जानकारी के अनुसार शहर उदयपुर स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के रोडवेज बस स्टैंड की सेकंड एंट्री कुम्हारों का भट्टा नया 100 फीट रोड की ओर से गेट लगा हुआ था। लंबे समय तक ये गेट बंद रहा। विगत दिनों रोडवेज प्रशासन की ओर से बस स्टैंड की सेकंड एंट्री का गेट खोला गया व इस गेट से रोडवेज की बसों का आना जाना शुरू हुआ। सूत्रों की जानकारी के अनुसार रोडवेज बस स्टैंड की सेकंड एंट्री शुरू होने से जैसमंद सलूमबर बांसवाड़ा मार्ग एवं मावली डबोक मंगलवार चित्तौड़गढ़ आदि स्थानों पर रोडवेज की बसों का आना जाना सेकंड एंट्री से रहेगा। सेकंड एंट्री गेट के पास गार्ड को तैनात किया गया है। बेवजह बस स्टैंड पर आने वाले वाहनों को बस स्टैंड पर प्रवेश नहीं देंगे। सुखाड़िया समाधि समीप स्लिप लेने कार्य का महापौर गोविंद सिंह टाक एवं उप महापौर पारस सिंघवी द्वारा निरीक्षण किया गया। सिंघवी ने बताया कि तिराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान हेतु स्लिप लेन निर्माण कार्य की कार्य योजना महापौर गोविंद सिंह टाक द्वारा तैयार की गई। उदयपुर में लक्ष्मण उस्ताद और अर्जुन उस्ताद की स्मृति में गुरुवार को फतह स्कूल में राज्य स्तरीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में प्रदेश के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के बाद राजस्थान टीम का चयन किया जाएगा। कुश्ती संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मेवाड़ महामंडलेश्वर रास बिहारी शरण शास्त्री ने किया। आयोजन सचिव डॉक्टर हरीश राजोरा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एस सारंगदेव सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। डॉक्टर हरीश राजोरा ने बताया कि इस प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेज पर करवाई जा रही है। प्रतियोगिता में भारतीय कुश्ती संघ की परीक्षा पास किए हुए अंपायर ही अंपायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद राजस्थान की टीम का चयन होगा। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यहाँ पर आए सभी खिलाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था आयोजन कमेटी की ओर से की गई है। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम के खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से 1,00,000, द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीम को 70,000 और तृतीय स्थान पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उदयपुर शहर के रामपुरा इलाके की जनता को भीषण गर्मी में भी पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है और लोग टैंकर मंगवा कर पीने के पानी का प्रबंध कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद भी रामपुरा इलाके में उन्हें पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके इलाके में पानी की पाइपलाइन तो बिछ गई है लेकिन अभी तक नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं। इधर इनकी मजबूरी का फायदा उठाकर पानी के टैंकर वालों ने अभी अपनी रेट बढ़ा दी है।
ऐसे में मजबूरन उन्हें अधिक दाम देकर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। लोगों ने बताया कि वे कई घंटों तक पानी के इंतजार में बैठे रहते हैं और पानी का टैंकर आने से पहले लोगों की कतार लग जाती है। पानी का टैंकर आते ही लोगों के बीच पानी भरने होड़ मच जाती है और कई बार आपस में झगड़े भी हो जाते हैं। खमेरा थाना क्षेत्र में एक 28 साल की महिला के साथ ज्यादती कर और उसके अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए महिला से लेने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि फरवरी 2020 में वो एक दिन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसी दौरान आरोपी कल्याणपुर प्रतापगढ़ निवासी डोडमचंद वहां आया। उसने कहा कि आप कुछ परेशान दिख रहे हो, मैं जादूगर हूं, आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। उसे कहा कि मुझे घर के अंदर ले जाओ और पानी पिलाओ, आपकी दिक्कतें दूर कर दूंगा। आरोपी ने इसके बाद चार बार और ज्यादती की और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।